Hey guys, what's up and welcome back to Gravity Circle. और बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो GOC पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स. तो आई वुड रादर राइट आइसोमेरिज्म या आइसोमरी हम लोग लिखेंगे. तो हमारे पास में एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोमर्स. नाउ व्हाट आर आइसोमर्स? तो बेटा आइसोमर्स का मतलब होता है ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, आइसोमर्स ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है, दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मतलब इन अलग अलग कंपाउंड्स का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम दिखेगा. आप बोलोगे कि सर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होती है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसलिए होती है क्योंकि इनमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है. ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी एटम्स का या तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा या वो स्पेस में जो खाली स्पेस है उसमें उनका जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो आप देखोगे वो अलग होगा. तो इनके अरेंजमेंट्स अलग होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो इनका सेम ही रहता है. ठीक है, क्या ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है? अब हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका. अब हम लोग एक एक करके पहले आइसोमर्स को क्लासिफाई कर लेते हैं कि आपके जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. सो बेटा आपका जो आइसोमेरिज्म होता है या आपके जो आइसोमेरिज्म या आपके जो आइसोमर्स होते हैं वो सबसे पहले दो तरीके के होते हैं. पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है आपका जियोमेट्रिकल, नहीं जियोमेट्रिकल ना बोलते हम इसको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखेंगे. क्योंकि मैं आपको एक टर्म अभी सिखा देता हूं जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. क्यों बोलते हैं आपको क्लास 12th में भी काम में आ जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो ये दो तरीके के आपके पास में क्या हो गए? आइसोमेरिज्म हो गए. नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बच्चों क्या मतलब होता है? देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स का आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम दिखेगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मुझे बोलना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा. क्या बात समझ गए आप लोग? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इनका अलग रहेगा. किसका? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर अलग अलग टाइप के होते हैं. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म. नाउ चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन चेन की लेंथ डिफरेंट होती है. क्या होता है? डिफरेंट चेन लेंथ, चेन की लेंथ डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में कंपाउंड है CH3, CH2, 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 CH3, एक दो तीन चार पाँच छः, छः नहीं चलो ज़्यादा बड़ा बना दिया अपन, और छोटा कर लेते हैं, तीन कार्बन, छः कार्बन का कंपाउंड है. इसका नाम क्या है? पेंटेन. इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पेंटेन. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच. हाइड्रोजन कितने हैं? तीन, तीन छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह. तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. फिर मेरे पास में एक कंपाउंड और होता है जिसका नाम होता है CH3, CH, CH3, CH2, एक दो तीन चार और ये CH3. अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्योंकि इसमें चार कार्बन की चेन है और दूसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है, जिसका नाम हो जाएगा 2-methyl butane, 2-methyl
ब्यूटेन, लेकिन इसका जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, C5H12। तो ये भी C5H12, ये भी C5H12। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 6 3 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन, दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, लेकिन चेन की लेंथ में डिफरेंट आने की वजह से ये पेंटेन की तरह बिहेव करेगा और ये ब्यूटेन की तरह बिहेव करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको नोट कर लो, ठीक है। दूसरा आइसोमेरिज्म मैं आपके सामने यहां पर बोर्ड पर लिखता हूं, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन, पोजीशन के अंदर हम लोग लिखेंगे डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या पोजीशन के अलावा सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। कैसे, चलो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। लेट्स से मेरे पास में हमारा कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 2 मिथाइल पेंटेन। इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14। फिर एक कंपाउंड और बन सकता है जिसमें अब आप देखोगे कि CH3 की पोजीशन बदल गई, अब ये CH3 आ गया बीच वाले कार्बन पर, ये इधर और ये CH2 और ये CH3। अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ये 5 कार्बन है इसलिए ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H14। तब आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई, पहले ये सेकेंड कार्बन पर था, अब ये थर्ड कार्बन पर था। ऐसे ही आप लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए भी देख सकते हो, मतलब आपके पास में यहां पर हो सकता है कि एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल CH3, CHOH, CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H3 3 3 6 7 8 H8O, और एक ही ऐसा दिख सकता है CH3 CH2 CH2 OH, यानी प्रोपेन वन ऑल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8O। तो ये हो गया आपके पोजीशन आइसोमेरिज्म। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रब करके आगे का पढ़ाता हूं। थर्ड, अब हम लोग जो यहां पर आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं फंक्शन आइसोमेरिज्म, और फोर्थ आइसोमेरिज्म की हम लोग जो बात करने वाले हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल या फंक्शन आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, यहां पर बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट यहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कंपाउंड यहां पर मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अभी हम लोगों ने इसका नाम सीखा, इसको बोलेंगे प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है और दूसरे नंबर वाले कार्बन पर आपका कीटोन है, तो दैट इज प्रोपेन टू ऑन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन C3H6O। लेकिन मेरे पास में एक कंपाउंड ऐसा भी तो हो सकता है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे प्रोपेन, क्योंकि अगेन 3 कार्बन है, लेकिन ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है गाइस, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड होने की वजह से बन गया अल, प्रोपेन वन अल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन होने की वजह से C3, हाइड्रोजन 3 4 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन। तो आप देखो यहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है गाइस, लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, तो डेफिनेटली एल्डिहाइड एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा, कीटोन कीटोन की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आना तो बनता है। एंड यहां पर आपका जो फोर्थ, दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म,
मेटामेरिज्म. नाउ व्हाट इज मेटामेरिज्म बेटा? यहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट कार्बन चेन या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट कार्बन चेन में यहां पूरा लिख दें, डिफरेंट कार्बन चेन और अल्काइल ग्रुप अराउंड फंक्शनल ग्रुप, अराउंड फंक्शनल ग्रुप. मतलब आपका जो कभी कभी ऐसे सेंटर में कुछ फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ओ CH3, CH2, CH2, CH3, ये एक तरीके का ईथर है. याद करो ROR, अल्कोक्सी सिखाया था आप लोगों को, तो अब अल्कोक्सी में नाम कैसे लिखेंगे? यहां पर भी दो कार्बन, यहां पर भी दो कार्बन, तो एक लॉन्गेस्ट चेन मान लो, तो मैंने बोला कि ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? दो कार्बन की, इसलिए इथेन. और आपको मैंने सिखाया था ईथर हमेशा नाम के पहले लिखे जाते हैं, तो ये ओ C2H5, ये क्या बन गया आपका प्रीफिक्स, तो दो कार्बन है इसलिए इथॉक्सी, क्या बन जाएगा ये? इथॉक्सी. तो ये हो गया इथॉक्सी इथेन. इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला क्या है? चार कार्बन, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, C4H10O. और मेरे पास में एक और यहां पर कंपाउंड हो सकता है CH3O CH2 CH2 CH3. अब यहां पर आप देखो, यहां पर तीन कार्बन की चेन सबसे लंबी चेन कहलाएगी, तो ये डेफिनेटली कहलाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन क्या गई है? OCH3, अल्कोक्सी. यहां पर कौन सा ग्रुप है? अल्काइल, मिथाइल, इसलिए बन जाएगा मिथॉक्सी, क्योंकि छोटा है ना, तो जो छोटा हो उसको आगे लगा दो, जो लंबी चेन हो उसको पीछे लगा दो, तो हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन. फॉर्मूला क्या है? अभी भी कार्बन तो चार ही दिख रहे हैं यार, 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन तो अभी भी 10 ही दिख रहे हैं यार, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, और ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है. तो इस तरीके के आइसोमर्स को बोलते हैं मेटामर्स. क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं सामने से हटा हुआ हूँ बोर्ड के, स्क्रीनशॉट लो इसका. सो दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए सुपर. अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारे दो चीज़ों की, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो मतलब अपना खत्म हो गया. अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं बच्चों, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं. स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहले मतलब समझो बेटा, स्टीरियो का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल. स्टीरियो का मतलब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल, मतलब जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो स्क्रीन पर मैं आपको 2D दिख रहा हूं, लेकिन जब आप रियलिटी में मुझे देखोगे तो आप मुझे चारों तरफ से ऐसे देख सकते हो. क्यों? क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है. तो जब हम लोग बोर्ड पर किसी चीज को लिखते हैं तो वो 2D होता है, लेकिन रियलिटी में वो 3D होता है. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म किस पर डिपेंडेंट है? 3D अरेंजमेंट. तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट डिफरेंट स्पेटियल, बट डिफरेंट स्पेटियल. स्पेटियल का मतलब स्पेस में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पेटियल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट. तो ये चीज हो गई आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब गाइस, स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगेन दो तरीके का होता है. पहला होता है जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब इन दोनों का क्या मतलब है, हम लोग आराम से इसको सीखते हैं. तो देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ये यूजुअली उन कंपाउंड्स में देखा जाता है जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो. सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ये कभी देखा नहीं जाता. यूजुअली ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? ये यूजुअली आप लोगों को अल्कीन्स वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा, या आप लोगों को अल्काइन्स वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा. मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, या ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो. तो फॉर एग्जांपल आपके पास में कंपाउंड है कार्बन और कार्बन, इसके पास यहाँ पर एक ए नाम का ग्रुप है, यहाँ पर एक बी नाम का ग्रुप है, यहाँ पर भी एक बी नाम का ग्रुप है, यहाँ पर एक ए नाम का ग्रुप है. मतलब आपके पास में इस तरीके का कंपाउंड है. ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना देता हूँ. तो लेट से मेरे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है सी, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है इससे CH3, यहाँ पर जुड़ा हुआ है इससे H, डबल बॉन्ड, यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है H.
अब यहां पर आप इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस तरफ लेफ्ट साइड पर CH3 है और दूसरा CH3 भी लेफ्ट साइड पर है, H और ये H दोनों कौन से साइड पर है, राइट साइड पर है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप सेम साइड हो, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, ऐसे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर्स। क्या लगाना पड़ेगा नाम क्या है? सिस। कार्बन गिन लो, एक दो तीन चार, टोटल कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन की चेन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन। समझ में आ गई बात आप लोगों को? सिमिलरली जब अपन यहां पर दूसरा कंपाउंड देखे तो सी डबल बॉन्ड सी, एक सी एच थ्री यहां पर, एच यहां पर, लेकिन केस में ये सी एच थ्री ने अपनी पोजीशन बदल ली। अब यहां पर क्या हो गया, सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड हो गया, ये सी एच थ्री इधर राइट आ गया और ये सी एच थ्री इधर लेफ्ट रह गया। तो सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, तो ऐसो के लिए आप लोग यूज करेंगे वर्ड ट्रांस। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ट्रांस, ट्रांस ब्यूट टू इन, क्योंकि ब्यूटीन तो अभी भी रहेगा एक दो तीन और चार कार्बन रहने की वजह से। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो इसका। समझ गए बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब ये कंपाउंड दिखने में कैसा दिखेगा आपको, लिखते वक्त ऐसा लिखेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और बोला जाएगा इसके आइसोमर्स बनाओ। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है और ये H जुड़ा हुआ है, फिर इस कार्बन से भी एक CH3 जुड़ा हुआ है और ये H जुड़ा हुआ है। तो पहले केस में दोनों CH3 सेम साइड बना दिए इसलिए ये कौन सी ज्योमेट्री बन गया, सिस। लेकिन अगले केस में मान लो मैं H यहां लगा दूं और CH3 यहां जोड़ दूं, तो ये अपोजिट होने की वजह से ये बन गया ट्रांस, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं जरा इसके बारे में हम लोग जरा ठीक से डिस्कस करेंगे, थोड़ी जगह बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना बेटा। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, देखो अभी आपके रूम में जो ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह लगा हुआ होगा, इससे जो लाइट निकल रही है वो ऐसी फैल जाती है, आपने देखा होगा लाइट इस तरीके से फैल जाती है रूम में। तो नियोम या निकोल नाम के एक साइंटिस्ट थे, निकोल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसा प्रिज्म बनाया था, उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो ये नॉर्मल लाइट जो फैल जाती है इसको फैलने नहीं देता और इसको एक स्ट्रेट पाथ में ही भेजता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, वो एक लेजर टॉर्च बहुत चली थी मार्केट में, ऐसी लेजर टॉर्च आती है उसका बटन दबाओ तो एकदम सीधी लाल कलर की लाइन, एक लाल कलर की लाइट सीधे उधर दीवार पर जाती थी और एकदम पॉइंट के फॉर्म में दिखती थी, तो वो पोलराइज लाइट होती थी, प्लेन पोलराइज, जो सीधे एक प्लेन पर स्ट्रेट आगे बढ़े। समझ में आ गई बात? तो जब एक इस तरीके की प्लेन पोलराइज लाइट, जैसे हम लोगों ने एक प्रिज्म बनाया और इस प्रिज्म से एक प्लेन पोलराइज लाइट आगे बढ़ी और आप लोगों ने यहां पर एक सॉल्यूशन बनाया किसी भी सब्सटेंस का और उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन को आपने इसके अंदर रख दिया। अब अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट इसमें जाने के बाद अगर सीधी बाहर आ जाए, कोई चेंज अगर उसमें नहीं आए, तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब वो कंपाउंड के ऊपर लाइट का या लाइट के ऊपर उस कंपाउंड का कोई असर नहीं है। लेकिन कभी कभी देखने को ये मिलता है कि वो लाइट इस तरीके से लेफ्ट साइड डिविएट हो जाती है। कौन से साइड? लेफ्ट साइड, या कुछ कुछ लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो लाइट कौन से डायरेक्शन में मुड़ गई? एंटी क्लॉकवाइज। और कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन में पड़ने के बाद वो राइट कहां मुड़ जाती है, राइट साइड, या मैं कहूं क्लॉकवाइज, कैसे घूम जाती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मेरे ख्याल से अभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये जा रही है, तो इसको अपन लेफ्ट बना देते हैं क्योंकि डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, वरना बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको अपन बोल देते हैं ये जा रही है राइट साइड क्योंकि ये जा रही है आपके
क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट डिविएट कर जाती है। तो बेटा जब कभी भी लाइट राइट साइड डिविएट करती है, हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स। डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है राइट, एंड लेफ्ट साइड चली जाती है जिसको हम बोलते हैं लीवोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, वेयर लीवो स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब होता है कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब उनका कंपाउंड, उनका एक कंपाउंड लाइट को राइट साइड भेजेगा तो एक कंपाउंड लाइट को लेफ्ट साइड भेजेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ग्लूकोज एंड हमारा फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज लाइट को राइट साइड भेजता है इसलिए वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एंड फ्रुक्टोज लाइट को लेफ्ट साइड भेजता है इसलिए वो लीवोरोटेटरी है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बच्चों इसको बोलते हैं। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और गाइज यहाँ पर हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म होता है। अब देखो बच्चा, टाइम सेव करने के लिए प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 12 के लिए GOC का रिवीजन वीडियो बनाया था, और वो रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड किया था क्लास 12 के लिए, लेकिन बनाया था क्लास 11th से। तो इसके बाद जो चार वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं क्लास 12th के लिए, लेकिन वो आप लोगों के भी काम में आएंगे, इसलिए मैं अगेन इस प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा थोड़ी सी उसमें एडिटिंग करके, क्योंकि उसमें मैं इनिशियली मैंने उनको रिविजन का बोला था तो आप लोग बाद में कन्फ्यूज ना हो इसलिए। तो इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो अगले चार वीडियो हैं वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं उनको री अपलोड करूंगा फॉर यू, आप उसे ज़रूर देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी बातें करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस।